हेलो फेलो राइडर्स, वेलकम टू साकार्ड। साकार्ड में अभी एक्सोर एपेक्स के दो नए डेकोर आए हैं क्रोमैटिक में। इन डेकोर का नाम क्रोमैटिक है और ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाए गए हैं। मेरे ख्याल से अभी तक का एक्सोर का बेस्ट ग्राफिक है ये। हम इसको फुली डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक बार ना इसमें कलर्ड वाइजर भी लगा के देखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इनमें कलर्ड वाइजर बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो एक बार मैं आपको अच्छे से पूरा हेलमेट दिखा देता हूँ कि दिखता कैसा है। ये इसकी ओवरऑल लुक है, अगर आप देखेंगे तो ये अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो है ना, ये हायाबुसा कुछ गोल्ड कलर दिया हुआ है यहाँ पे, और ये सारा मतलब एक क्रोमैटिक उसमें दिया हुआ है। ऊपर सिल्वर है, कुछ ऊपर डॉट्स वगैरह दी हुए हैं। दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये इसका गोल्डन ब्लू कलर है और उसका जो सेकेंड कलर है वो है गोल्डन रेड। ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और इसको क्रोमैटिक रेसिंग डिज़ाइन का नाम दिया गया है। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन में जाएं तो ये ड्यूल वाइजर हेलमेट है, अपनी एपेक्स सीरीज़ है। ये दो वाइजर्स में आती है, अगर देखा जाए तो ये ड्यूल वाइजर है और एक हमारा अंदर सनग्लास होता है और ऊपर हमारा नॉर्मल ग्लास होता है। ऊपर नॉर्मल ग्लास के ऊपर एंटी फॉग शीट इंस्टॉल्ड रहती है, एंटी फॉग शीट फॉग नहीं जनरेट होने देती और ये एग्जॉर इसके साथ फ्री देता है। वैसे आप सेपरेटली ले जाएंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। इसको जो है ब्रेथ डिफ्लेक्टर कहते हैं। ब्रेथ डिफ्लेक्टर क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी ब्रेथ को इस तरह डिफ्लेक्ट करता है ताकि फॉग और जनरेट ना हो, क्योंकि एंटी फॉग जो होता है वो काफ़ी कम एरिया कवर करता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी इसमें पिनलॉक 30 इंस्टॉल्ड है, पिनलॉक 30 है। इनवेंट इसके दो हैं हमारे, एक तो फ्रंट में इनवेंट है, एक टॉप में इनवेंट है, और जो आउटवेंट है वो स्पॉइलर के नीचे दो दिए हुए हैं, दो आउटवेंट दिया हुआ है। पैडिंग देखी जाए तो रिफ्लेक्टिंग दो दिया हुआ है, मतलब पीछे से कोई लाइट मारेगा तो ये दो चीज़ रिफ्लेक्ट करेंगी। बाकी इसमें एरोडायनामिक स्पॉइलर आ रहा है का नया वाला, जो कि बहुत अच्छा है। जो अंदर का वाइजर है वो मेन्यूवर होता है यहाँ से, ये अंदर से मेन्यूवर होता है। बाकी अगर आप देख पाएंगे तो ये ड्यूल पैडिंग में आता है, दो पैडिंग आपको आराम से दिख जाएंगी। ड्यूल पैडिंग में होता है तो सेफ होता है। अगर हम इसकी सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये ECE 22.05 है। इसके बाद ECE 22.06 भी आ चुका है, पर 5 इज ऑल्सो वेरी गुड। ये डॉट अप्रूव्ड है, डॉट और ISI कंपेरेटिवली एक जैसी बात होती है, इतना कुछ खास नहीं होता। और ये ISI पर वो भी है, ISI सर्टिफाइड भी है, तो आप मतलब इंडिया में आराम से राइड कर सकते हैं। इसका वेट हल्का हैवी बनाया उन्होंने, 1600 ग्राम्स, तब भी ठीक है। 1600 ग्राम इज़ नॉट दैट मच, बट ये हल्का हैवियर साइड पे है और इसकी टोटल ये है। अब हम इसमें एक बार हम इसमें गोल्ड वाइजर और इसमें ब्लू वाइजर लगा के देख लेते हैं इनकी लुक कैसी आती है। इसका हम एक बार देख लेते हैं वाइजर कैसे निकालते हैं। इसका ये मैकेनिज्म होता है जो बहुत ईजिली आप बस इसको पुल करेंगे, काफ़ी इजीली इसका वाइजर निकल जाता है। बस आपको इसको ऐसे पुल करना है और इसका मैकेनिज्म, ये वाइजर ऐसे निकल जाएगा बहुत आसान से। और इधर भी सेम, वो नीचे पुल करना है और ये निकल गया। थोड़ा सा प्रेशर लगता है बट ठीक है, मतलब बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं। हम पहले इसमें एक बार स्मोक वाइजर लगा के देख लेते हैं कि इसकी लुक कैसी आती है। ये भी एक्सोर का ओरिजिनल वाइजर है, 900 की रेंज में पड़ता है। आप इसको भी हमारी वेबसाइट पे या हमारे स्टोर पे आके परचेज कर सकते हैं। लगाने का प्रोसेस उतना ईजी है जितना निकालने का है, बस आपको बिल्कुल उसके देख के पॉइंट्स पे रख के एग्जैक्ट पॉइंट्स पे अब इसको बस प्रेस करेंगे और ये लग जाएगा, बस दैट्स इट। बहुत आराम से बस आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स पे रखना है और प्रेस करना है, लग गया। ये इसके ब्लैक वाइजर के लुक है, ब्लैक वाइजर में बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल लुक ही चेंज हो गई है। तो अगर आपको ब्लैक वाइजर में ऑर्डर करना है तो आप ब्लैक वाइजर में भी कर सकते हैं। इसमें जाएंगे हम, इसमें हम गोल्ड ट्राई करेंगे।
हम इसमें एक बार गोल्ड ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, जो कलर्ड वाइजर होते हैं उनका नुकसान एक रहता है कि उसमें एंटी फॉग नहीं आता है, इसमें पिन लॉक नहीं है तो आप एंटी फॉग भी नहीं लगा सकते हो, तो बस एक ये नुकसान होता है। तो दोनों वाइजर होना बहुत मस्त है। इसमें रेड वाइजर लगा के देख लेते हैं कि कैसी लुक आती है। रेड को गोल्ड वाइजर भी बोला जाता है, तो हम इसको रेड भी बोल सकते हैं, गोल्ड भी बोल सकते हैं। ये सारे वाइजर जो होते हैं इरिडियम होते हैं, एक होते हैं कोटेड और एक होते हैं इरिडियम। तो ये इरिडियम है, मतलब इसका बेस ही यही है, तो ये फेड आउट है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगेन बस इसको पोजीशनिंग करके प्रेस करना है और बहुत बहुत प्यार से लग जाता है। बड़ा मजेदार तरीके से लगता है, देखिए एक हाथ से, मतलब बहुत सही है। इसका मैकेनिज्म सिस्टम अच्छा है। ये देखो, ये गोल्ड या रेड वाइजर में इसकी लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिसेंट लग रहा है। एक बार हम ब्लू के साथ ब्लू वाइजर भी ट्राई कर लेते हैं स्मोक की जगह। और ये बस वन पुश में लगता है, दैट्स इट, लग गया। और ब्लू में तो काफी ज्यादा बिल्कुल ओवरऑल लुक ही चेंज हो गई है इसकी, बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें पिन वो है, डबल डी रिंग लॉक है। डबल डी रिंग लॉक जब तक पूरा टाइट नहीं हो जाता तब तक बंद नहीं होता, तो उसको सेफर माना जाता है। रेस ट्रैक पे डबल डी रिंग होना जरूरी है। और बाकी ये चिन गार्ड होता है। चिन गार्ड के दो चीज़ें होती है, एक तो चिन को प्रोटेक्ट करना कि बादलों कोई चीज़ डर्ट वगैरह घुस ना जाए, और ये अगर आप ब्लॉकिंग करते हैं तो ये माइक भी विंड नॉइज भी कम करता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आप ये दोनों हेलमेट हमारी वेबसाइट या हमारा स्टोर करोलबाग आके परचेज कर सकते हैं। हमारे पास सारे साइजेस अवेलेबल है, एक्स्ट्रा स्मॉल सेट, डबल एक्सेल, तो आप दोनों को देख सकते हैं। और प्राइसिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।